हेलो फ्रेंड्स, आज बनाइए हमने ये लौकी की बर्फी। लौकी की सब्जी तो खाना कोई पसंद नहीं करता है, पर लेकिन उसे इस तरीके से बर्फी के फॉर्म में बनाएंगे तो यकीन मानिए ये मिनटों में चट हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये एक लौकी ली है, और लौकी का हमें अंदर का जो वाइट पार्ट होता है और उसके बीज होते हैं वो निकाल लेने हैं, और बाहर का ग्रीन हिस्सा हमें इसका कद्दूकस कर लेना है, और कसने के बाद हमें इसका पानी निचोड़ लेना है। अब एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। तो मिठाई बनाने के लिए आप हमेशा देसी घी का ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें मिठाइयों का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और ये देखिए घी पिघल चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये कसी हुई लौकी, और लौकी को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो सूख ना जाए। तो ये देखिए इसे लगातार चलाते हुए हम फ्राई करेंगे, और अब देखिए इसका जो थोड़ा बहुत पानी था वो सूख चुका है। तो अब इस स्टेज में हम इसमें मिलाएंगे चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कितनी भी डाल सकते हैं, जितना मीठा खाना आप पसंद करते हैं। तो ये जो लौकी की बर्फी है ये बनाने में बहुत ही आसान होती है, और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट से 10 से 12 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मिठाई बना रहे हैं तो भी यकीन मानिए कि ये बर्फी आपसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने चाशनी नहीं बनाई है। क्योंकि चाशनी से अक्सर क्या होता है, मिठाई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है। अगर चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो मिठाई टाइट हो जाती है, और अगर चाशनी हल्की बन जाए तो मिठाई ढीली पड़ जाती है। तो इसमें चाशनी वगैरह नहीं बनाई है हमने, तो इसे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए अब ये चीनी मेल्ट हो चुकी है, तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे, चीनी का पानी सुखाएंगे नहीं, जो चीनी ने पानी छोड़ा है इसी में हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो ये 3/4 कटोरी के लगभग मिल्क पाउडर डाला है मैंने इसमें। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी हम इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए और इसमें मावे का बढ़िया स्वाद आए। तो देखिए अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि मिल्क पाउडर के लम्स ना पड़ें इस बर्फ़ी पर। तो इस तरीके से आप मिल्क पाउडर के साथ लौकी को मैश करते हुए लगातार चलाते हुए पकाएं। तो देखिए इस बर्फ़ी में हमने दूध का यूज़ नहीं किया है, तो इसे हमें घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं है, और इसका स्वाद हलवाई की दुकान में मिलने वाली लौकी की बर्फ़ी से भी कई गुना बढ़िया आएगा। क्योंकि जो भी चीज़ हम घर में बना करके तैयार करते हैं उसका स्वाद आप यकीन मानिए बाज़ार में मिलने वाली चीज़ से कई गुना बढ़िया आता है। तो ये देखिए ये मैंने अब इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट पकाया है, और अब इसमें हमें किसी भी तरीके के लम्स नहीं दिख रहे हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इससे क्या होगा कि मिठाई में घी की खुशबू भी बढ़िया आएगी और बर्फ़ी में एक शाइन भी आएगी। अब इसको बाजार जैसा लुक देने के लिए मैंने इसमें हल्का सा फूड कलर मिलाया है। तो फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिलाएं, नहीं तो इसे इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बर्फ़ी बन करके तैयार है। अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और एक ग्रीस की हुई प्लेट पे इसे निकाल लेते हैं, और अब हम इसे सेट कर लेंगे। तो आजकल लौकी हमेशा ही बाज़ार में अवेलेबल होती है, तो कभी भी कुछ मीठा खाने का मन करे या घर में मेहमान आए और फटाफट से मीठा बनाना हो तो आप इस मिठाई को 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं, और इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है, और ये एकदम बिल्कुल 100% परफेक्ट बनने वाली मिठाई है। तो देखिए अभी मिठाई सेट हो चुकी है, मैंने इसे थोड़ा देर रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और अब हम इसके मनचाहे पीसेस काट लेंगे। तो आप भी इस फटाफट से बनने वाली मिठाई को ज़रूर ट्राई करें,
और आपको आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।